नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्पीक इंग्लिश 99 में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया लेसन लेके आया हूँ जो यूपी बोर्ड क्लास 10th का है और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहला लेसन जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड का ये पहला आपको जो है पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसे साझा करें। तो चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है द हाउस। हाउस मीन्स घर। द हाउस मीन्स वह घर। द ओनली वन, ओनली वन का मतलब इकलौता। वह घर द ओनली वन मतलब इकलौता। इन द इंटायर, इंटायर मीन्स संपूर्ण। वैली मीन्स घाटी। द हाउस मीन्स घर, वह घर। द ओनली वन इन द इंटायर, इकलौता इन द इंटायर मीन्स संपूर्ण वैली मीन्स घाटी में था। वह घर इकलौता संपूर्ण घाटी में था। सट ऑन, सट ऑन मतलब स्थित था। द क्रेस्ट मीन्स चोटी पर। ऑफ अ लो हिल, लो हिल मीन्स होता है निचली पहाड़ी। तो वह घर केवल जो इकलौता था पूरी घाटी में, सट ऑन स्थित था। द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। आगे है फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स होता है से। फ्रॉम से दिस हाइट, इस ऊंचाई से। दिस हाइट मीन्स इस ऊंचाई से। वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिपकॉर्न। वन मीन्स होता है कोई, कोई भी, सभी के लिए ये वन का प्रयोग किया जाता है। तो वन कुड सी, कोई भी देख सकता था। द रिवर, रिवर मीन्स नदी को। एंड द फील्ड, और खेत को, कोई भी नदी और खेत को देख सकता था। ऑफ रिपकॉर्न, रिपकॉर्न मतलब होता है पके अनाज। तो वो खेत किसके थे? पके अनाज के। तो पके अनाज के खेतों को कोई भी देख सकता था और नदी को देख सकता था। आगे है डोटेड, डोटेड का मतलब होता है छितराए हुए। डोटेड विद द फ्लावर्स, जो फ्लावर्स मीन्स होता है फूल, फूल से छितराए हुए थे, यानी जगह जगह पर जो है फूल भी दिखाई दे रहे थे। दैट ऑलवेज, दैट मीन्स जो, ऑलवेज मीन्स हमेशा। प्रोमिस्ड मतलब होता है वादा करते थे। आ गुड हार्वेस्ट, गुड मीन्स अच्छी, हार्वेस्ट मीन्स फसल, जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे। तो यहाँ से फिर से पढ़ते हैं। वन कुड सी, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था। द रिवर मिस नदी को। एंड द फील्ड, और खेतों को। ऑफ रिप कॉर्न मिस पके अनाज के, और कोई भी पके अनाज के खेतों को और नदी को देख सकता था। डोटेड विद द फ्लावर्स, जो डोटेड थे फ्लावर से, मतलब फ्लावर कहीं कहीं पर नजर आ रहे थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा वादा करते थे। अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। तो आगे पढ़ते हैं। द ओनली थिंग, द ओनली थिंग मतलब केवल एक चीज। ओनली मिस केवल, थिंग मिस एक चीज, केवल चीज। द अर्थ, पृथ्वी को। नीडेड मिस आवश्यकता थी, केवल एक चीज़ पृथ्वी को आवश्यकता थी। वाज अ डाउन पोर, डाउन पोर थी, वह एक डाउन पोर थी। डाउन पोर मतलब होता मूसलाधार बारिश, वह केवल एक मूसलाधार बारिश ही थी। और एटलीस्ट, एटलीस्ट मिस होता है कम से कम, अथवा कम से कम। आ सावर मिस एक बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचो, थ्रू आउट मिस पूरी, द मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग, लंचो मिस लंचो। हु न्यू, जो जानता था। हिज फील्ड्स, अपने खेतों को। इंटीमेटली मतलब नज़दीकी से, इंटीमेटली का मतलब होता है नज़दीक से। हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया। हैड डन नथिंग एल्स, नथिंग एल्स का मतलब होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। बट, बट मिस है सिवाय, सिवाय सी देखने के। द स्काई मिस आकाश को। टूवर्ड्स मतलब की तरफ, आकाश की तरफ। द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की, आकाश की तरफ देखने के अलावा। पूरी सुबह जो है लंचो ने कुछ नहीं किया, जो अपने खेतों को बहुत ही नज़दीकी से जानता था। फ्रेंड अब फिर से यहाँ से पढ़ते हैं। द हाउस मिस वह घर। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरे घाटी में इकलौता घर था। सट ऑन स्थित था। द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल मतलब निचली पहाड़ी की चोटी पर। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिपकॉर्न, और इसकी ऊँचाई से कोई भी नदी को और पके अनाज के खेतों को देख सकता था। डोटेड विद द फ्लावर्स, और वहाँ पर जो है नज़र आ रहे थे कहीं कहीं पर फूल, उनको देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस, जो हमेशा वादा करते थे। अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की, कि ऐसा लगता था कि अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग मतलब केवल एक चीज़, द अर्थ पृथ्वी को नीडेड आवश्यकता थी। वाज अ डाउन पोर, वो एक मूसलाधार बारिश थी। और एटलीस्ट, और कम से कम। आ शावर मीन्स एक बौछार, और पृथ्वी को कम से कम मूसलाधार बारिश की आवश्यकता थी, या फिर कम से कम जो है बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह। लंचो, लिमचो जो था पूरी सुबह। हु न्यू हिज फील्ड्स अल्टीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत ही नज़दीकी से जानता था।
हैड डन नथिंग इल्स, उसने कुछ नहीं किया था, बट सिवाय देखने के, बट सी सिवाय देखने के, द स्काई टूवर्ड्स आकाश की तरफ, द नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्व की तरफ। तो आशा करते हैं आपको ये पैराग्राफ पूरा क्लियर हो गया है। तो यदि क्लियर हो गया हो तो जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो है कमेंट में ये बताइए कि इस प्रकार के जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपको अच्छे लग रहे हैं, इससे आपको कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में अगला पैराग्राफ फिर से पढ़ेंगे। तो छोटे छोटे पैराग्राफ करके हम पढ़ते चले जाएंगे, और यहाँ पर मीनिंग मैं जो है देता हूँ, और ये जो मीनिंग आपको ना पता हो उसको लिख लें। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।